हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। नमस्कार, मैं पूनम कौंडल उज्ज्वल हिमाचल मीडिया के माध्यम से आज आपको लेके आई हूँ पालमपुर के क्षेत्र में। जैसे कि आपको पता है, कुछ दिनों से पालमपुर को नगर निगम बनाने की एक मुहिम जो है जारी है। उसमें क्या हुआ है कि पालमपुर और गांव के क्षेत्र के कुछ लोग जो है दो गुटों में बंट चुके हैं। आइए हम जानते हैं कि आम जनता की इसके बारे में क्या राय है। देखिए सर, आपको पता है कि पालमपुर नगर निगम बनाने के लिए दो गुटों में लड़ाई चल रही है कि पालमपुर, एक गुट कह रहा है कि बनना चाहिए, एक कह रहा नहीं बनना चाहिए नगर निगम, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल बनना चाहिए, बहुत देर से यह डिमांड है पालमपुर के लोगों की। और जैसे नगर निगम बनेगा तो पालमपुर में एक डेवलपमेंट होगी, एक अच्छा माहौल होगा। नगर निगम पालमपुर को बनना चाहिए क्योंकि इससे हमारे क्षेत्र को काफ़ी फैसिलिटीज मिलेंगी, तो हमारी तो यही राय है कि पालमपुर को नगर निगम बना देना चाहिए। मेरी राय से तो नगर निगम बनना चाहिए क्योंकि और भी गांव में भी तरक्की होगी थोड़ी। देखिए, मैं तो समझती हूँ जो गांव बहुत ही बैकवर्ड हैं, जिनको मुश्किल होगी कि यहाँ नहीं आ सकते, बहुत गरीब लोग हैं, उनके लिए तो हो सकता है कि मतलब उनको कोई जायका रह दिया जाए। और नगर निगम बनेगा तो हमारा डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। मेरी राय तो ये है पालमपुर को नगर निगम बनना चाहिए, अगर नगर निगम बनता है तो पालमपुर का विकास होगा। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। और मेरा तो यही कहना है कि इसको नगर निगम बनना चाहिए क्योंकि अगर हमारा पालमपुर नगर निगम बनेगा तो इससे हमारे पालमपुर क्षेत्र का विकास होगा। सबसे बड़ी तो बात यह है कि पालमपुर में इस हिसाब से पालमपुर का माहौल नगर निगम बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही है आज जो इतने शहर के लोग थे नक्शे गाँव में जाके बसने जाके, और वहाँ पर जाके मूलभूत सुविधा कोई भी नहीं है। वहाँ के प्रधान जो है ना उनको काम कराने का तजर्बा है ना कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है, आप जगह जगह जाओ अंधेरा पड़ा हुआ है, स्ट्रीट लाइट का कोई प्रबंध नहीं है। मेरी राय में तो ये एक सार्वजनिक मुद्दा था, हम लोगों को मिलजुल के सुलझाना चाहिए था, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि नगर निगम ना बने उनको भी हमें विश्वास में लेके उनको बताना चाहिए कि इसके क्या क्या फायदे हैं। जो लोग इसके पक्ष में हैं उनको आगे आना चाहिए, और उनसे वो भी हमारे भाई हैं गांव वाले भी जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनको साथ बिठा के एक दो मीटिंग करना कि एक अलग अलग धड़े बना के हम लोग चलें। इससे अच्छा है कि उन लोगों को बुला के उनसे उनको विश्वास में लेके उनको समझाया।